वेलकम गाइज, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईपीएल का 63 नंबर मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। दोस्तों, जैसे कि कल संडे था और सुपर संडे का दो मैच हुआ। दोनों मैचों में मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था बिल्कुल एक्यूरेट था। जो मैं ट्रंप कार्ड प्लेयर बताया हुआ था वो एक्यूरेट थे। जैसे कि पहले वाले मैच में मैंने आपको बताया कि रविचंद्रन अश्विन आज वाले मैच में ट्रंप कार्ड है। सारे बंदे जेल में भी नहीं लेके आए हुए थे और उसको अपन ने स्मॉल लीग में रखा और कैप्टन वाइस कैप्टन किया, अल्ट्रा क्लीन शिप हुआ, ठीक है, स्मॉल लीग में। और दूसरी वाली मैच में मैंने आपको साफ साफ क्लियरली बता दिया था कि अक्षर पटेल ट्रंप कार्ड होंगे, कैप्टेंसी पारी खेलेंगे। एक और स्वप्निल सिंह वगैरह था, इसको भी मैंने आपको ट्रंप कार्ड बताया हुआ था और दोनों ट्रंप कार्ड निकले। तो सेम उसी तरह से प्रेडिक्शन आज के वीडियो में भी देने वाला हूं, यानी कि जीएल का बेहतरीन टीम बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, स्मॉल लीग से अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा पिच रिपोर्ट, ट्रंप कार्ड प्लेयर और साथ साथ जीएल का टीम भी प्रोवाइड करूँगा। हर एक प्लेयर्स का स्टार्ट इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, कौन से प्लेयर्स आज वाले मैच में इम्पोर्टेंट हैं, किसको आप जीएल में लेके जा सकते हो और स्मॉल लीग में किन प्लेयर को ले सकते हो, जीएल में किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, स्मॉल लीग में किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, सारी चीज़ें के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में आपको बताएंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल से इजीली जुड़ सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ने का रीज़न क्या है कि टॉस के बाद में हम जो टीम प्रोवाइड करते हैं फाइनल, वो टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। स्मॉल लीग हो या जीएल, टेलीग्राम चैनल पे ही फाइनल टीम मिलेगी। और पिच रिपोर्ट, फाइनल जो सटीक पिच रिपोर्ट है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। बैटिंग ऑर्डर क्या होती है सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के बारे में मैं वहीं पर बताता हूँ। और किसी प्लेयर्स का अपडेट्स आता है, मैच से रिलेटेड कोई अपडेट्स आता है, वो भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए जुड़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इजीली जुड़ पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। दोस्तों, ये आईपीएल का 63 नंबर मैच है जो खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। देखो, ये 13 मई को मैच होगा, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 बजे शाम में मैच स्टार्ट होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पे ये मैच खेला जाने वाला है, जो कि गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। एडवांटेज है गुजरात को, मैच विन करने की हाईएस्ट चांस बनेगी गुजरात को कि ये मैच विन कर जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म। तो गुजरात टाइटन्स की जो टीम है, लास्ट 5 मैच में 2 मैच को विन किया है, 3 मैच को लॉस किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, लास्ट के 5 मैच में बैक टू बैक 4 मैच को विन करके आ रही है, ओनली 1 मैच को लॉस किया है, ठीक है। तो ध्यान देना, कोलकाता भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में है और गुजरात का होम ग्राउंड है, तो दोनों को यहाँ पे देखो, कोलकाता तो बेहतरीन फॉर्म में है ये है और गुजरात का होम ग्राउंड है, तो गुजरात भी मैच को विन कर सकती है, कोलकाता भी विन कर सकती है, तो टॉस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, इन दोनों टीमों के बीच जो टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं उनमें गुजरात ने 2 मैच को विन किया है और 1 मैच कोलकाता ने विन किया, ठीक है। अभी भी एडवांटेज है गुजरात को, गुजरात का प्लेयर भी अच्छे हैं, मैच को विन कर सकते हैं। यहाँ का जो ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैच में 47 विकेट्स गए हैं, जिनमें 30 विकेट जो है पेसर गेंदबाज को मिले हैं, स्पिनर्स को मिले हैं 17 विकेट। पेसर्स को एडवांटेज है, स्पिनर्स भी विकेट्स निकाल रहे हैं, तो देखो पेसर को भी रखना है अपने को और स्पिनर्स को भी रखना है। कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जिसको आपको अपने टीम में लेके ही चलना है, चाहे तो आज वाले मैच में भी सीवीसी करके आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं वेन्यू स्टेट्स। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है यहाँ पे अभी तक के आईपीएल के 32 मैचेस खेले गए, जिनमें 13 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, 18 मैच जो है बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम विन किया है, ठीक है। अब बात कर ली जाए इस ग्राउंड का एवरेज, तो 168 का मिलेगा आपको। हाईएस्ट स्कोर गुजरात ने बनाया हुआ था 233 पे 3 विकेट, ठीक है। वहीं लोएस्ट गुजरात का ही था, 89 पे 10 विकेट, यानी ऑल आउट। तो समझ सकते हैं हाईएस्ट भी बन रहे हैं, लोएस्ट भी बन रहे हैं, गुजरात की टीम ही हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ है, यानी कि एडवांटेज है गुजरात को। अब देखो, ये 32 जो मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे, उसमें कितने मैचेस किस टाइम हुआ है, कितना स्कोर किस टाइम हुआ है, ठीक है। सो गाइस देखो,
150 का जो नीचे का स्कोर है 8 बार बना हुआ है, और 150 to 169 8 बार, 170 to 189 8 बार स्कोर बना हुआ है, 190 के ऊपर भी 8 बार स्कोर बना हुआ है। ठीक है, ये जो 32 मैचेस खेले गए हैं इनमें जो है 8-8 बार जो है सारी स्कोर बने हुए हैं, हाईएस्ट बने हैं, लोएस्ट बने हैं, और बैलेंस भी स्कोर यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब कि टीम बनेगी, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली है और यहाँ पे बैट्समैन चलेंगे, आपको स्कोर देखने को मिलेगा 169 से लेकर के 189 के आसपास में। ठीक है, अगर गुजरात की टीम पहले बैटिंग कर रही हो उस कंडीशन में आपको स्कोर हाईएस्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है, और कोलकाता की पहले बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में स्कोर थोड़ा सा आपको लो दिखने को मिलेगा, यह चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो समझ गए आपने पिच रिपोर्ट। ठीक है, पेसर को एडवांटेज है, बल्लेबाज भी अच्छे करेंगे इस ग्राउंड पे। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेइंग 11, शुभमन गिल और साई सुदर्शन गुजरात से ओपन करेंगे। डेविड मिलर है, शाहरुख खान है, मिथि वेड है, राहुल तवतिया, रशीद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी है। ठीक है, केकेआर से आपको मिलेंगे फिलिप शार, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, सुरेश अय्यर, नितेश राणा, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह है, मिचेल स्टार्क है, इसके बाद में हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती है। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है यहाँ से मैं आपको बता दूँ, दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसको आपको अपने टीम में हर हाल में लेके चलना है। जैसे कि मैं आपको पहला प्लेयर बता दूँ, राशिद खान। पिछले कई मैचेस वो बंदा फ्लॉप है, लास्ट मैच में 2 विकेट है, लेकिन आज वाले मैच में आपको कंफर्म 2 से 3 विकेट निकाल के देने वाला है राशिद खान, क्योंकि ये लेग ब्रेक गुगली है। और देखो सामने वाला जो अपोजिट टीम में है इसमें सारे के सारे राइट हैंडर्स, टॉप ऑर्डर में राइट हैंडर्स बल्लेबाज है, हो सके तो आज वाले मैच में राशिद खान पावर प्ले में ही बॉलिंग डालने आए। ठीक है, और पावर प्ले में आए या फिर कभी भी बॉलिंग डालने आएगा तो विकेट्स निकाले, कन्फर्म है कि ये विकेट्स आपको निकाल के आज के मैच में देने वाला है। आप बीसी कर सकते हो, बैटिंग से भी आप उम्मीद कर सकते हो और बॉलिंग से तो है ही है। ठीक है, तो राशिद खान को आपको अपने टीम में लेकर चलना है। दूसरी टीम से मैं आपको बता दूं, यहां पे भी आपको एक प्लेयर दिख रहे होंगे, नीतीश राणा, ट्रंप कार्ड प्लेयर है आज के मैच के लिए। ठीक है, इसको आपको टीम में अपने लेके ही चलना है, क्योंकि ये आज बॉलिंग भी डाल सकता है नीतीश राणा। ठीक है, बैटिंग तो करेगा ही, बॉलिंग भी डाल सकता है, ऑफ स्पिनर है। सामने वाला टीम में आपको लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज दिखेंगे जिसके सामने बॉलिंग डाल सकता है, तो नीतीश राणा को भी आपको अपने टीम में लेके चलना है। सुनील नारायण भी आज के मैच में बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना सारा मैंने यहाँ पर बता दिया, आगे प्लेयर स्टार्ट देखेंगे आपको समझ में आएगा। शुभमन गिल है, रिकॉर्ड बेहतरीन है, लास्ट मैच में 100 का स्कोर करके आ रहा है, बाकी उससे पहले स्कोर जो है मतलब कि फ्लॉप ही था। ठीक है, और ये अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाला है, तो होम ग्राउंड पे 53 का एवरेज, यानी कि इस ग्राउंड पे 53 का एवरेज है, हेड टू हेड में भी 31 का एवरेज है, बहुत अच्छे फॉर्म में है। गिल को अपने टीम में लेके जाना, जीएल के कुछ टीमों से ड्रॉप करना, 1 से 2 टीम में ड्रॉप करना, बाकी सारी टीम में लेके जा सकते हो, सीबीसी कर सकते हो। ठीक है, साई सुदर्शन लास्ट वाली मैच में काफ़ी लंबा इनिंग खेल कर रहा है, उससे पहले भी काफ़ी अच्छा स्कोर है, 84, 65, 31 है, इस ग्राउंड पर 54 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है, हेड टू हेड में भी 53 का एवरेज है, बेहतरीन फॉर्म है, आपको अपने टीम में लेके जाना है, प्लस सीबीसी भी कर लेना। ठीक है, डेविड मिलर देखो ये टॉप ऑर्डर में आ गया, अगर फिर से टॉप ऑर्डर में आता है तो डेविड मिलर आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर होने वाला है, अच्छा इनिंग खेल के देगा आपको। ठीक है, तो लेके चल रहे हैं, इस ग्राउंड में 42 के एवरेज से हेड टू हेड में 47 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है। ठीक है, शाहरुख खान, अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रहा हो उस कंडीशन में आपको शाहरुख खान को भी लेके चलना है। ठीक है, जीएल टीमों में जीएल के लिए आपके ट्रंप पिक होंगे, इस ग्राउंड पे 22 के एवरेज से और हेड टू हेड में 33 का एवरेज है। ठीक है, अगर ये पहले बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, शाहरुख खान की टीम, उस कंडीशन में आप चाहे तो ड्रॉप कर लेना, अगर बैटिंग कर रहा है उस कंडीशन में आपको लेके चलना है। ठीक है, जीएल टीमों में स्मॉल लीग से आप ड्रॉप कर सकते हैं। आगे आपको मिलेंगे मिथि वेड, जब पहले टीम बैटिंग करे उस कंडीशन में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे मिथि वेड, क्योंकि पहले बैटिंग पे विकेट्स जाएगा तो इनको मतलब कि खेलने का मौका मिलेगा, लास्ट वाली मैच में खेलने का मौका ही नहीं मिला, एवरेज परफॉर्मेंस है। ठीक है, इस ग्राउंड पे अच्छा मतलब कि इनिंग नहीं खेला हुआ है, तो देख लेना, राहुल तेवतिया है, राहुल तेवतिया लास्ट वाली मैच में इनको भी खेलने का मौका नहीं मिला और 35 रन है। ठीक है, हेड टू 35 रन उससे पहले 0 और 4 36 है। ठीक है, हेड टू हेड के मैचेज जो है 21 का एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं हेड टू हेड में, और वेन्यू पे जो है 24 का एवरेज है,
तो ध्यान देना राहुल तेवतिया को आप तभी लेना जब ये टीम पहले बैटिंग करे, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे रशीद खान, मैंने आपको आगे ही बता दिया, लास्ट मैच में 2 विकेट उससे पहले तीनों के 3 मैच में विकेट लेस है। इस ग्राउंड पे 16 मैच में 19 विकेट है, 15 मैच में 17 विकेट हेड टू हेड में, ये इंपॉर्टेंट है। कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। नूर अहमद लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, देखो जीएल में ट्राई करना, स्मॉलिक से आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। उमेश यादव, ठीक है, उमेश यादव को आपको जीएल में हर हाल में लेके चले हैं, सिलेक्शन परसेंटेज आपको कम मिलेगा। ये बॉलर पेसर है, राइट आर्म पेसर, ठीक है, स्विंग काफ़ी होता है इसकी बॉल, तो देख लेना आपको अपने टीम में लेके जाना है जीएल में, ठीक है। चाहे तो आप स्मॉलिंग में भी ले सकते हो। मोहित शर्मा राइट आर्म पेसर है, ठीक है, इसको भी आपको अपने टीम में लेके चलना है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है मोहित शर्मा, आपको अपने टीम में लेना है और जीएल में सीवीसी भी कर सकते हो। 14 मैच में 29 विकेट निकाला हुआ है इस ग्राउंड पर, लास्ट मैच में 3 विकेट है उससे पहले 0-0 और 2 विकेट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। मोहित शर्मा को भी आपको अपने टीम में लेके चलना है। कार्तिक त्यागी को आप जीएल में ट्राई करना, ठीक है, लास्ट वाली मैच यहाँ इस ग्राउंड पे 1 मैच खेला हुआ है उसमें विकेट लेस है और लास्ट वाली मैच में विकेट लेस रहा है, ठीक है, तो देख लेना जीएल में ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉलिक के लिए रिस्की रहेंगे। फिलिप साल्ट का रिकॉर्ड जो है एवरेज परफॉर्मेंस है रिसेंट फॉर्म, लास्ट वाली मैच में 6 रन का पारी, उससे पहले 32-5, 68-75 रन, लेकिन इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला बिल्कुल फ्लॉप है और हेड टू हेड में भी 1 मैच है बिल्कुल फ्लॉप है, ठीक है, तो फिलिप साल्ट हमें हाइएस्ट चांस लग रहे हैं कि आज वाले मैच में बंदा फ्लॉप करेगा। सुनील नारायण ने देखो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, सामने वाला टीम में ऑफ स्पिनर सॉरी लेग ब्रेक है रशीद खान, ठीक है, तो वो बॉलिंग डालेगा तो सुनील नारायण को ले जा सकता है। बाकी ये भी ऑफ स्पिनर है, पूरे 4 ओवर बॉलिंग डालेगा, सामने वाली टीम में जो है काफ़ी लेफ्ट हैंडर है तो उसमें से विकेट्स ये बंदा निकालेगा, तो अगर बैट से फ्लॉप हुआ तो विकेट आपको निकाल के देगा ही देगा। लास्ट वाली मैच में बैट से फ्लॉप है, देखो 1 विकेट है, उससे पहले 81+1, उससे पहले 8, यानी कि हर मैच में बंदे को विकेट मिल रहा है, तो नारायण एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप आंख बंद करके अपने टीम में लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर में आ चुका है, अगर टॉप ऑर्डर में रहे तो वेंकटेश अय्यर को हमें अपने टीम में लेके चलना है। इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला, 87 रन है, ठीक है, और हेड टू हेड में 37 के एवरेज से बैटिंग करा है, रिसेंट फॉर्म भी ठीक है, बेहतरीन फॉर्म में है, आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं। सुरेश अय्यर है, सुरेश अय्यर का फॉर्म काफ़ी गड़बड़ चल रहा है इस ग्राउंड पर, अच्छा नहीं है और हेड टू हेड में 12 का एवरेज है, तो चाहे तो आप ड्रॉप करना, स्मॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हो। आगे आपको मिलेंगे नितेश राणा, जो लास्ट वाली मैच में 33 रन का अच्छा पारी खेला हुआ है, उससे पहले 9-38-34 है, ठीक है, इस ग्राउंड में 20 के एवरेज से बैटिंग करा है और 17 का एवरेज हेड टू हेड में, मैंने आपको बता दिया किस सिचुएशन में इसको लेना है, जब ये टीम पहले बैटिंग करे तो उस कंडीशन में आप ले सकते हो और ये बॉलिंग करने के भी आज के मैच में चांसेस बनते हैं, तो बॉलिंग से भी आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। आंद्रे रसेल, देखो ये प्लेयर भी आपके लिए बेहतरीन प्लेयर है, लास्ट वाली मैच में 24+2 विकेट, उससे पहले 12+2 विकेट, यानी कि हर मैच में बंदे को विकेट्स मिल रहा है, बल्ले से भी कुछ करा है और विकेट्स भी मिल रहा है, तो ये तो आपको अपने टीम में लेके चलना ही है, ठीक है। इस ग्राउंड पे इसको 3 मैच खेला हुआ है, 1 भी विकेट नहीं, लेकिन 28 के एवरेज से बैटिंग हुआ है, हेड टू हेड में 30 के एवरेज, 3 मैच में 27 के एवरेज, 5 विकेट है, ठीक है, तो आपको लेके चलना है। आंद्रे रसेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिंकू सिंह आपके लिए आज वाले मैच में ट्रंप कार्ड प्लेयर होने वाला है, अगर कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है पहले बैटिंग करा हो उस कंडीशन में, ठीक है, इस ग्राउंड पर 48 के एवरेज से बैटिंग करा है, तो देख लेना ये आपके लिए ट्रंप प्लेयर होगा जब कोलकाता की टीम पहले बैटिंग कर रही हो उस कंडीशन में, ठीक है। रमनदीप सिंह को आप ड्रॉप कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे आपको मिलेंगे मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क की टीम पहले बॉलिंग कर रही हो उस सिचुएशन में आप अपने टीम में लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं। हर्षित राणा को आपको अपनी टीम में लेके चलना है, हर्षित राणा ऐसा प्लेयर है, राइट आर्म पेसर है और ये ऐसा प्लेयर है जो डेथ में भी बॉलिंग करेगा, ठीक है, तो डेथ में विकेट्स जाने के चांसेस बनते हैं, तो हर्षित राणा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके अपने टीम में लेके चलना है, ठीक है। आगे आपको मिलेंगे वरुण चक्रवर्ती, जो लेफ्ट लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, यानी कि स्पिनर से, ठीक है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, 2-3-2-3, ठीक है, इस ग्राउंड पे 3 मैच में 1 ही विकेट है, हेड टू हेड में 3 मैच खेला, 1 भी विकेट नहीं मिला, ठीक है, सिलेक्शन थोड़ा हाई दिखेंगे, स्मॉलिंग में तो रख सकते हो, जीएल के कुछ टीमों से आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, तो सारे प्लेयर्स का स्टार्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने क्लियर बता दिया है। अब इसके बेस पे जो हम अपनी टीम बनाए हुए उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों जीएल का कॉम्बिनेशन है, दोनों को आप यूज कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है इसे स्क्रीनशॉट लो और इसको यूज करो। देखो इस टीम में हम कोई चेंजेस करेंगे उसकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, और इसके साथ साथ जो फाइनल स्मॉल लीग टीम होती है टॉस के बाद में मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।